बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से ही होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MA MSc मैक्रो इकनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं MA MSc मैथमेटिकल इकनॉमिक्स पार्ट वन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप वो लोग वीडियो देख लीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंशाल्लाह जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊँगा एज इट, उम्मीद काफ़ी एग्ज़ाम में वैसे ही आएंगे और आप लोगों का जो पेपर है वो आसानी से अटैम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड फ्राम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सी इज इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट स्टार्ट आई माइनस टी ब्रैकेट क्लोज वाई, वेयर टी इज इक्वल टू 0.25। टी छोटे टी से मुराद ये होता है टैक्स रेट। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 900 माइनस 50 आर, आर से छोटे आर से मुराद होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी इज इक्वल टू 800 एम डी, डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू 0.25 y माइनस 62.5 r, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट MS मनी सप्लाई इज इक्वल टू 500। इसके तीन पार्ट को सॉल्व करना होता है। पार्ट वन, इक्वेशंस ISLM कर्व्स, IS और LM की इक्वेशन को ड्रा करना है। डिटरमाइन दी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी हमारे पास पार्ट है प्रूव डैट, प्रूव करना है एस प्लस टी सेविंग प्लस टैक्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस जी इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और पार्ट फोर है डिटरमाइन इन दी वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। देखिए ये जो क्वेश्चन है गुड्स मार्केट और जो मनी मार्केट का चैप्टर है उसके चार या पाँच छः क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल, वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। उन पाँच या छः क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में आता है और 25 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग वो अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोगों का क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा और 25 में से 25 मार्क्स आएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करने हैं। अगर आप लोगों को मुश्किल होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना, आप अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बता देना है, तो मैं इंशाल्लाह 5-6 क्वेश्चन में आप लोगों को करा दूँगा। क्वेश्चन नंबर टू है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और इसका क्रॉस सेक्शन भी करना है, यानी कंप्लीट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड कर्व, डिस्कस व्हाई इट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड। क्वेश्चन नंबर फोर, अज्यूमिंग ए स्मॉल इकोनॉमी विद फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग इन मंडल फ्लेमिंग। पहला इफेक्ट है एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई इंक्रीज करती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। नंबर टू, एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब हुकूमत के अखराजात बढ़ जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, पीगो इफेक्ट्स, एक्सप्लेन वर्क्स मिस परसेप्शन, और नंबर थ्री पे है मेजरमेंट ऑफ GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नंबर फोर रिकार्डियन इक्विवेलेंस, नंबर फाइव टोबन क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टिकी प्राइस मॉडल, क्राउडिंग हाइपोथेसिस। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं इंशाल्लाह इसमें से एग्ज़ाम में दो लाजमी आ जाएंगे और आप लोगों का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सप्लेन द डिमांड पुल एंड कास्ट पुश इन्फ्लेशन इन डिटेल। डिमांड पुल और कास्ट पुश इन्फ्लेशन को डिटेल के साथ करना है, यानी तफसील के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर सेवन,
मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व रिलेटेड प्रोडक्शन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल एंड शो हाउ स्टेबल इक्विलिब्रियम इन अचीव्ड इन एन इकोनॉमी। न्यू क्लासिकल थ्योरी भी कर लेना है और क्लासिकल थ्योरी भी कर लेना है। इंशाल्लाह इन दोनों को, दो क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में लाजमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ फ्रेडमैन, जो फ्रेडमैन की थ्योरी है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, यानी शॉर्ट रन भी करना है और लॉन्ग रन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 11, फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व को आप लोगों ने लॉन्ग रन में भी करना है और शॉर्ट रन में भी करना है, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द फिलिप्स कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व आर सेम। क्वेश्चन नंबर 12, ड्राइव एन एग्रीगेट डिमांड कर्व एन ओपन इकोनॉमी विद चेंज प्राइस लेवल इन मंडल फ्लेमिंग मॉडल हाउ प्राइस लेवल एडजस्ट टू मेंटेन लेवल ऑफ नेशनल इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल एंड सॉलो ग्रोथ मॉडल। ये एटलीस्ट 14 क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। अगर इन 14 क्वेश्चन में से अगर आपको लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बता देना है, उसका लेक्चर बना के मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर भी लाजमी करना है और लाइक भी लाजमी करना है। थैंक यू।